कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन। फैसलाबाद सिर्फ मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा कर सकता हूं। आपको देख के, आपके जुनून को, आपके जज्बे को देख के आपका शुक्रिया का अदा करता हूं दिल से। फैसलाबाद फैसलाबाद में तो डीजल की कमी नहीं, मैंने तो सुना किसानों के पास ऐसे कोई डीजल नहीं है। अच्छा, फैसलाबाद फैसलाबाद मैं जब यहां 2018 में जलसा किया था तो मुझे पता है कि यहां जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, पावर लूम्स बंद पड़ी थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां बंद करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान ने कहा कि जनाब मजदूर नहीं मिलते, और 2018 में यहां बेरोजगारी थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला, मैंने इस मुल्क में रोजगार बढ़ाया। और सबसे बड़ा मसला एक मुल्क में बेरोजगारी होती है, तो मुझे फख्र है अपनी टीम पे कि हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हर किस्म की सहूलत दी, और उन्होंने फिर पाकिस्तान को रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स दी। हमारी आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। और फैसलाबाद, याद रखें, मुल्क की दौलत में कभी इजाफा नहीं होता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। तो इसलिए फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए एक अहम शहर है। फैसलाबाद की तरक्की का मतलब पाकिस्तान की तरक्की। फैसलाबाद की खुशहाली का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली। वैसे मैं आज खास तौर पे अपनी बहनों को खराज तहसीन पेश करता हूं। इतनी तादाद में मैंने कभी आपको नहीं देखा, और इससे मुझे आपको, नौजवानों, आपको भी खराज तहसीन आपको भी पेश करता हूं। मैं एक नया, एक वो पाकिस्तान
मैं वो पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा हूं, जो वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और जो कायदे आजम की जद्दोजहद से बना था, एक आजाद पाकिस्तान, हकीकी आजादी के लिए। मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम मेरे साथ निकल रही है और मुझे खुशी यह है कि सिर्फ इसके नौजवान ही नहीं निकल रहे बल्कि हमारे बुजुर्ग, हमारी ख्वातीन और हमारे बच्चे भी। तो फैसलाबाद, सवाल आपसे यह है कि क्या इस्लामाबाद की आपकी तैयारी है? क्या आप तैयार हैं जब मैं आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा? आप तैयार हैं? मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं बहुत गर्मी है, मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान, अगर उसके लिए गर्मी नहीं तो मेरे नौजवानों के लिए बिल्कुल गर्मी नहीं है। चली है अब तहरीक के होगा की प्यारा। तो फैसलाबाद, मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, तारीखी हम इस मुल्क में पैसा इकट्ठा कर रहे थे, टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, किसानों को वो पैसा मिला है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इतना पैसा नहीं मिला, उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई, इस बार भी 4 फसलें रिकॉर्ड हुई, चावल, गन्ना, आलू और मकई रिकॉर्ड हुई, किसानों के पास पैसा आया, किसान खुश, इंडस्ट्री 11 सालों में सबसे तेजी से पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ रही थी। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये साजिश जो इस मुल्क के खिलाफ अमेरिका के अंदर तैयार हुई और यहां मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश करके हुकूमत को गिराया, मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग साजिश करके अब ऊपर बैठे हैं, अब बताएं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूं कि क्यों नहीं आवाम के अंदर जाते और पूछते, लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी कितनी महंगी हुई, मुर्गी की कीमत दुगनी हो गई क्योंकि हमजा शबास मुर्गी की कारोबार में है, दुगनी हो गई है उसकी, जरा जाए लोगों से पूछे, पूछे लोगों से। और जब आप टीवी का कैमरा लेके जाएंगे लोगों के पास, तो आप दो लोगों से दो चीजें सुनेंगे, दो लफ्ज सुनेंगे, एक होगा गद्दार और दूसरा होगा चोर। अब मदीना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुकद्दस शहर, उसमें जब इनको आवाजें लगी तो राना सनाउल्लाह ये सुन लो, गौर से सुन लो, मैंने समझा इसने सिर्फ 18 कत्ल किए हैं, अब पता चला 22 कत्ल किए हैं इसने। इनकी हुकूमत में
वजारत तब तक नहीं मिल सकती जब तक कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। प्राइम मिनिस्टर और उसका चीफ मिनिस्टर जो बेटा है, 24 अरब रुपए तो सिर्फ इन्होंने एफआईआई ने इनकी चोरी पकड़ी है। नैब में जो चोरी वो अलग है, ऊपर से एक कोई मंशियात फरोश, वो भी जमानत में, वो भी कैबिनेट में, यानी। और सबसे बड़ा जो डाकू आसिफ जरदारी, वो गॉडफादर बन के बैठा है। और बाहर मुल्क के झूठा कानून से भागा हुआ भगौड़ा मफरूर चोर, वो लंदन में बैठ के फैसले कर रहे पाकिस्तान के। तो मेरे पाकिस्तानियों, फैसलाबाद के बाशऊर शहरियों, ये इन लोगों से आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में निकल के इस मुल्क को आजाद करना है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये जमीन जब न थी, ये जहां जब न था, ये जमीन जब न थी, ये जहां जब न था, ये जमीन जब न थी, ये जहां जब न फैसलाबाद। अच्छा फैसलाबाद, गर्मी तो नहीं लग रही? देखे, आपका कप्तान तो अपनी जिंदगी के कोई 20-25 साल धूप के अंदर क्रिकेट खेल के, उसको तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है थोड़ी सी। माशाल्लाह, ये कौम, ये जो पाकिस्तानी कौम है, अभी इसने अपने असल मुकाम पे पहुंचना है। हमारा नजरियाती लीडर इलामा इकबाल, इलामा इकबाल ने कहा था कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही। फैसलाबाद इसका मतलब कि गुलामी से बेहतर मौत है। मुझे पता चला चंद दिन पहले कि बंद कमरों में साजिश हो रही है कि देखें ये इमरान खान का हम क्या करें। हमने इसको 3.5 साल, हमने सारी मीडिया ने मिलके पूरी कोशिश की इसको खत्म करने की। सबसे मुश्किल पाकिस्तान की तारीख के माशी हालात दिए, उसमें से भी निकल गया। फिर 100 साल में एक दफा इतना बड़ा बुरहान आता है जो कोरोना का था, हिंदुस्तान में तबाही आ गई, 55 लाख लोग वहां मर गए कोरोना से, मईशत उनकी बैठ गई। उन्होंने सोचा कि इसमें से तो नहीं बचेगा, अल्लाह का करम है कि उससे भी हम निकल गए। बल्कि दुनिया तारीफ कर रही थी पाकिस्तान की कि वो मुल्क है जिसने सबसे बेहतरीन तरीके से कोरोना के अजाब से निकला, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी मईशत को भी बचाया, अपनी इंडस्ट्री को भी बचाया, अपने मजदूरों को भी बचाया, अस्पतालों को भी। कहीं वो वक्त नहीं आया कि हमारे अस्पताल भर गए। और जब वहां से भी निकल गया, फिर मार्केट भी ऊपर जाने लगी, इंडस्ट्री भी चल पड़ी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी चल पड़ी, किसानों के पास भी पैसा आ गया। तो फिर उन्होंने साजिश करके गवर्नमेंट गिराई, और उन्होंने सोचा कि जब गवर्नमेंट गिराएंगे इसकी तो पाकिस्तान में तो जब भी गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, जब भी गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती हैं। तो उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयां बांटने के, लोग तो सड़कों पे आ गए हैं।
लोग इस तरह निकले पाकिस्तान में कि मैंने तो इस मुल्क की तारीख में इस तरह अवाम को सड़कों पर नहीं निकलते देखा। तो जब ये देखा कि अच्छा ये तो लोग भी निकल रहे हैं और खौफ आना शुरू हो गया इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा, तो फैसला किया कि इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। तो मैंने इसलिए फैसलाबाद के लोगों और मेरे पाकिस्तानी कौम जो देख रही है, मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्वस था, जो पिछली गर्मियों से साजिश हो रही थी, एक एक का मैंने नाम लिया इस वीडियो में। और मैंने यह क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख कभी भी इस मुल्क में ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। लियाकत अली खान के पीछे, कत्ल के पीछे कौन था, कभी नहीं कोई पकड़ा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। जियाउल हक का जहाज जो गिराया गया, किसी को नहीं पता चला। इसलिए मैंने फैसला किया कि सारी मेरी कौम को पता चलना चाहिए कि इस साजिश के पीछे कौन था। डॉक्टर अलवी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत लिखा, उसने वो मुरासला बताया जिधर अमरीकी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के सफीर को वॉशिंगटन में बुला के धमकी दी कि अगर इमरान खान को तुम नहीं निकालोगे, अदम एतमाद को कामयाब नहीं करोगे इसके खिलाफ, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। धमकी दी उसने। सोचे 22 करोड़ का पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और एक हमारे एम्बेसडर को धमकी देता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर तुम नहीं निकालोगे, जो साजिश थी अदम एतमाद की, तो पाकिस्तान को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और फिर कहता है कि अगर यह साजिश कामयाब हो गई, यानी अदम एतमाद कामयाब हो गया, तो हम सब कुछ माफ कर देंगे, हम सब कुछ माफ कर देंगे। अमरीकी और डोनाल्ड लू, तुम हो कौन हमें माफ करने वाले? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो कौम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जिस कौम के बनने के वक्त नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा अल्लाह से वादा है, जब हम दावा करते हैं, कलमा पढ़ते हैं, हम ऊपर वाले से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा हम किसी को खुदा नहीं मानते, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर हो मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन है वतन सारे वतन। हम फैसलाबाद, फिर से सुन लो, फिर से गौर से सुन लो, हम हैं मोहम्मद मुस्तफा, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं,
हमारे अजीम लीडर ने हमें आज से 1500 साल पहले बता दिया था कि मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता। उसने हमें यह हदायत की थी कि ला इला इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इला इल्लल्लाह इंसान की वो जंजीरें तोड़ता है जो इंसान को बड़ा इंसान बनने से रोकती हैं, खौफ की जंजीरें तोड़ती हैं। पैसे की पूजा करने वाली जो बुत है उसको तोड़ता है। जो लोग इंसानों से डरते हैं, सुपर पावर से डरते हैं, वो शिर्क करते हैं, क्योंकि खौफ का बुत तोड़ना एक इंसान को बड़ा इंसान बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ना सिर्फ बाहर की साजिश और अंदर के मीर जाफर और मीर सादिक की वजह से चोरों की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई। फैसलाबाद, क्या इन डाकुओं की हुकूमत को आप तस्लीम करते हो? इंपोर्टेड हुकूमत को हम किसी सूरत ना तस्लीम कर सकते हैं ना करेंगे। और इन लोगों को हमारे पर मुसल्लत किया, ये हमारी 22 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी तौहीन है कि इधर सारे फैसलाबाद में अजीम लोगों का शहर, बाशऊर लोगों का शहर, उधर अगर लीडर सारे शहर में राणा सनाउल्ला मिला है, ये कितनी बड़ी तौहीन है फैसलाबाद के लिए। वो सिर्फ कातिल ही नहीं, वो शक्ल से भी कातिल लगता है। तो हमारी तौहीन देखें, बाप बेटा दोनों अंडर ट्रायल, केस चल रहा है एफआईए में केस चल रहा है फैसलाबाद। जरा गौर से सुने मेरी बात, गौर से सुने जरा। मुझे दुनिया में एक मुल्क की मिसाल दे दें, एक मुल्क की मिसाल दें जिधर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और सबसे बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रायल हो, 24 अरब रुपए का एफआईए में केस हो, 8 अरब रुपए का नैब में केस हो और उनको मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दें। एक दुनिया में मुझे मिसाल दे दें इसकी। ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है, ये हमारी तौहीन है, ये हमारी तौहीन ही नहीं, अगर ये हम तस्लीम कर लें ये हमारी बर्बादी है। आते साथ ही उसने क्या किया, उसने एफआईए में सबको फारिग कर दिया जिन्होंने मेहनत से इसका केस बनाया था, और जो दो तफ्तीश करने वाले ऑफिसर थे, सुने फैसलाबाद, मुझे खतरा था ये होगा, तो जो दो तफ्तीश करने वाले एफआईए के ऑफिसर, एक डॉक्टर रिजवान, उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है।
फैसलाबाद रघोर से मेरी बात सुने, और फिर जो दूसरा बाप बेटे का केस की तफ्तीश कर रहा होता है डॉक्टर नुमान असगर, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। मैं आज फिर बड़ी आजजी से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सुओ मोटो एक्शन ले इसके ऊपर। हमारे ऊपर तो आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था, हमारे तो इतवार को आपने पता नहीं इतना हमने जुर्म क्या किया था, हमने तो सिर्फ इलेक्शंस का कहा था। हम तो कह रहे थे बजाय साजिश के एक चोरों को पर मुसल्लत करें, आप इलेक्शंस करवाएं और अवाम को फैसला करने दें कि किसने पाकिस्तान की क्यादत करनी है। लेकिन आपने सुओ मोटो एक्शन ले लिया था, तो मैं बड़ी आजजी से कहता हूं अपने सुप्रीम कोर्ट को, आजजी से कहता हूं कि FIA के ऊपर एक्शन ले, सुओ मोटो एक्शन ले, पता चलवाए कि डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक कैसे हुआ, और ये जो दूसरा नुमान असगर को हार्ट अटैक कैसे हुआ। मैं आपके साथ सामने इंशाल्लाह वो जहर का बताऊंगा जो अगर खाने में डाल दें तो इंसान को हार्ट अटैक होता है, ये भी आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले। कोई इसकी मिसाल है कि जो केस जिन्होंने अरबों रुपए का केस करना था उन्हीं के ऊपर लाके उन लोगों को बिठा दें जिनके ऊपर केस है। और मैं फिर से कहता हूं कि अगर इसकी इजाजत दी पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के जेलों को खोल दो, ये जो गरीब लोग जेलों में भरे हुए इनको निकाल दो, इनकी तो छोटी छोटी चोरियां हैं, किसी ने भैंस चोरी की, किसी ने मोटरसाइकिल, घर में फाका है, बेरोजगार है, इनको निकाले जेलों से। अगर इतने बड़े बड़े डाकुओं को आपने नहीं पकड़ना, इसीलिए फैसलाबाद, इसलिए मैंने टेप रिकॉर्ड करवाया, अपना वीडियो रिकॉर्ड करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि ताकतवर को पाकिस्तान की तारीख में 75 साल तारीख यह बताती है कि ताकतवर को हमारा इंसाफ का निजाम ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ सकता। इसलिए मैं अपनी आवाम के ऊपर छोड़ूंगा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो पाकिस्तान की आवाम, आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। बताएं आप मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? आपने मेरे से आज दो वादे करने, एक कि जब खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है मुझे तो जो वीडियो पब्लिक में जाएगी जिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए आपने उन सो एक एक को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर कानून के नीचे आएगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले कहा था, फैसलाबाद आज से 1500 साल पहले उन्होंने कहा था कि कौमें तबाह तब होती हैं जब छोटा चोर जेल में जाता है और बड़े डाकू को वो रियासत नहीं पकड़ सकती, उसको कानून के नीचे नहीं ला सकती, वो इंसाफ नहीं कर सकती। जो कौम इंसाफ नहीं कर सकती तबाह हो जाती है। इसलिए
मैंने आप सबको कहा है कि जब आप वो वीडियो कैसेट देखेंगे, आपने सबने मुझे और इस मुल्क को इंसाफ दिलवाना है। दिलवाओगे? और दूसरा, आपने वादा करना मेरे से, आपने मेरे से ये वादा करना है कि आप हो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, दुनिया के सबसे अजीम लीडर। आपने कभी भी किसी किस्म की गुलामी कबूल नहीं करनी। जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, सिद्धों की शान बनेगा नया पाक सिद्धों। जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, तो मेरे पाकिस्तानियों, मेरे गयूर दलेर पाकिस्तानियों, कभी एक और वादा करना है। आपने कभी किसी उस पार्टी को वोट नहीं देनी जिनके लीडरों का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो। जब भी किसी पार्टी के लीडर का पैसा, जायदाद, उसके महलात, उसके ऑफशोर अकाउंट्स मुल्क से बाहर होंगे, वो कभी आपके मफादात की हिफाजत नहीं कर सकेगा। वो अपने पैसे की गुलामी करेगा, और पैसा अगर जिन मुल्कों में पड़ा है उन मुल्कों की गुलामी करेगा। बिलावल को ये जो नया फॉरेन मिनिस्टर बना है, ये जब अमरीकनों को मिलने जाएगा, पाकिस्तानियों सुनो, तो वो जब मिलेंगे, जब भी मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर होके किसी मुल्क के सरबरा या वजीर से मिलता हूं, तो पहले मुझे सारा उसके ऊपर उसका बायोडेटा मिलता है, उसकी सारी हिस्ट्री मिलती है कि उसने क्या किया, क्या काम करता है, माजी में क्या किया, सारा कुछ पहले मेरे पास आता है। तो जब बिलावल मिलने जाएगा ब्लिंकन को, तो उसके पास पता होगा कि किधर किधर जरदारी के और बिलावल के बाहर बैंक अकाउंट्स पड़े हैं, किधर किधर पैसा पड़ा है, किधर किधर इनकी जायदादें हैं। तो ये आपके मफादात की हिफाजत नहीं करेंगे, क्योंकि उनको खौफ होगा कि अगर हमने नाराज कर दिया अपने आकाओं को तो हमारा पैसा चला जाएगा। ना ही नवाज शरीफ मुंह खोल सकता है, उसके पैसे बैंकों में, लंदन में, प्रॉपर्टीज में पड़े हुए हैं, वो कभी उनको नाराज नहीं करेगा। और शहबाज शरीफ का तो आपको पता है कि बड़ा भाई फौज को बुरा भला कहता है, और छोटा भाई जो भी बूट देखता पॉलिश करने शुरू कर देता है। वो ये भी नहीं देखता कि बूट किसके हैं, बस बूट देख के पॉलिश शुरू कर देता है। तो ये हैं जो हमारे मुल्क पे मसलत किए हैं। अब इन्होंने मुल्क को तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर रहे हैं। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, और सियाल फैसलाबाद सुन लो, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, कहेंगे कि हमें खुदा के वास्ते पैसे दे दो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। मेरे से डराएंगे उनको कि खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमारा दिवालिया निकल गया। तो जब अमरीकन अगर इनकी मदद करेंगे, तो फैसलाबाद सुन लो मेरी बात, कभी भी अमरीकी मदद नहीं करेंगे जब तक
वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कि पहले तो हिंदुस्तान के साथ दोस्ती नहीं, गुलामी करो, कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। अगर आपने 30 लाख टन गंदम आपको जरूरत है, आप रूस से नहीं ले सकते। अगर आपने पाकिस्तान को अगर ईरान से सस्ती गैस मिलेगी, वो कहेंगे हमने आपको इजाजत नहीं दी। इसको कहते हैं गुलामी। हिंदुस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ था, आज रूस से तेल भी सस्ता खरीद रहा है, आज रूस से हथियार भी खरीद रहा है, अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी है, लेकिन अमेरिका कुछ नहीं कहता हिंदुस्तान को, क्योंकि वह आजाद है। हिंदुस्तान ईरान से गैस भी खरीद रहा है, तेल भी लेता है, लेकिन हिंदुस्तान को वो कुछ नहीं कहते। हम ही, हमें उन्होंने जो गुलाम बनाया हुआ है, फतह किए बगैर हुक्म देते। तो इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, ये आपने मेरे साथ इस्लामाबाद इसलिए निकलना है कि हमने अमरीका के गुलामों को कभी कबूल नहीं करना। इंशाल्लाह, 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 फैसलाबाद, फैसलाबाद। आपको पता है कि इलामा इकबाल ने अपनी जो शायरी में हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी से निकालने के लिए कितनी कोशिश की, इसलिए उन्होंने कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कुताई। मौलाना रूमी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए, आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, तो जब आपको अल्लाह ने पर दिए, क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? क्योंकि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती, गुलाम जमीन पे होता है। इकबाल का शाहीन अपनी जंजीरें तोड़ के ऊपर जाता है। हमें अपनी परवाज के लिए हकीकी आजादी चाहिए। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिलों में डालना है। हमें फैसलाबाद के गयूर लोगों, हमें इन गुलामों से आजादी लेनी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं, सारी कौम इकट्ठी हो गई है इन चोरों के खिलाफ, इन गुलामों के खिलाफ। ये कौम कुछ भी कर सकती है, ये पैसे इकट्ठे करके कर्जे अपने वापस कर सकती है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। अब कोई हिम्मत ना हारो, तब्दीली आ गई है यारो। जब एक कौम बन जाती है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हमारे लिए मिसाल दी,
इसलिए अल्लाह ने कहा कि अपने नबी के कदमों पे सुन्नत पे चलो। और मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने 3.5 साल में जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है कि मैंने जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने यूनाइटेड नेशंस में उठाया, ओआईसी में उठाया, और मैं और हमारी जमात और मेरी गवर्नमेंट मुसलमानों की तारीख में, यूनाइटेड नेशंस की तारीख में वो पहली गवर्नमेंट है जिसने 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया का दिन बनाया। यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब क्या कि अब यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला किया है कि आजादी राय के आड़ लेके आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। मुझे फख्र है कि मेरी हुकूमत थी, पहली हुकूमत थी, वाहिद और मुसलमान हुकूमत जिसने यूनाइटेड नेशंस में जो हमारे बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी की जाती थी, तो यह पहली दफा हुआ है कि एक इंटरनेशनल बॉडी ने फैसला किया है कि आप आजादी राय और या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए आज आप सबके सामने फख्र कर रहा हूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो सुन्नत है वो है हमारा जिंदगी का रास्ता, वो है हमारा रोड मैप। और उन्होंने हमें मदीना की रियासत में ये बताया कि अगर कौम ने ऊपर जाना है, अगर उसने एक अजीम कौम बनना है, तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकी तौर पे अपने दिल में लाना पड़ेगा, जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। तो आखिर में फैसलाबाद सारों को मैं दावत दे रहा हूं, सब ने इस्लामाबाद आना है। 20 को मैं इंशाल्लाह आपको तारीख बताऊंगा, वो इसी महीने मई के अंदर तारीख है, दिन कौन सा मैं आपको बताऊंगा, तैयारी अभी से शुरू कर दें। और हम एक चीज मांगेंगे, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, नहीं तो हम ये कौम तब तक सांस नहीं लेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे, जालिमों को चोरों को लुटेरों को भगाएंगे, पूरा करेंगे सपनों को तुम देखना मेरी जान बने गाने अपार। पहले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामाबाद आना चाहिए, लेकिन जो नहीं आ सकते उनको फैसलाबाद में निकलना चाहिए। फैसलाबाद में आपने निकलना है बताने के लिए कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। और मैं आज यहां अपनी सारी अकलियतों को, अपनी मुस्लिम बरादरी को, अपने सिख बरादरी को, अपने जितने भी हमारे हिंदू हम हैं, उस रब की, हम उस रब को मानते हैं जो है रब्बुल आलमीन, सब इंसानों का रब, और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए। पाकिस्तान सबका है, और मैं सबको दावत दे रहा हूं निकलने के लिए, फैमिलीज को, खास तौर पे ख्वातीन, आपने मेरे साथ निकलना है इंशाल्लाह इस्लामाबाद। मैं आज
अपनी सारी फैसलाबाद टीम को इस शानदार जलसे की मुबारक देता हूं। मैं सारे अपने एमएनएस, अपने एमपीज, और मैं ये भी कहूंगा कि फैसलाबाद वैसे लोटे भी सबसे ज्यादा फैसलाबाद से निकले हैं। आपने धरती से फसली बटेरों को अच्छा फैसलाबाद आखिरी आपने मेरे से आखिरी वादा करना है कि किसी भी अगर कोई भी लोटा फैसलाबाद से जीत गया मैं फैसलाबाद नहीं आऊंगा उसके बाद पाकिस्तान से। लाल मेरी बत रखियो।